आरपीएफ 52 ने रेलवे संपत्ति चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरोह का एक सदस्य अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। गिरफ्तार 5 आरोपियों पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज है। सभी आरोपी रेलवे टेलीफोन हट्स तथा मोबाइल टावरों के अपना निशाना बनाते हुए उनकी बैटरियां चुराते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नया ग्राम बांगड़ नगर तथा सेंद्रा स्टेशन से चुराई गई 2 बैटरियां भी बरामद की है। जीआरपी थाना प्रभारी सावित्री सैनी ने बताया कि डीडीएफसी के एसएनटी अजय कुमार ने 1 दिसंबर को आरपीएफ थाने में नया ग्राम बांगड़ नगर से 48 तथा सेंद्रा स्टेशन से भी 48 बैटरियां चोरी होने की एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर आरपीएफ एसपी अजमेर अजिताभ के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम में क्राइम निरीक्षक आरपीएफ अजमेर राजकुमार को भी शामिल किया गया। थानाधिकारी सैनी ने बताया कि टीम गठन के बाद टीम सदस्यों ने चोरी का अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान टीम के 17 नवंबर को तिलोनिया स्टेशन पर चोरी हुई घटना में गिरफ्तार आरोपियों की डिटेल के आधार पर जांच की गई तो चोरी का तरीका सम्मान पाए जाने पर तिलोनिया चोरी के आरोपियों के घरों पर दबिश देकर उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने इस प्रकार की चोरियां करना कबूल किया। इस पर टीम ने चोरी के मुख्य आरोपी मोहम्मद हुसैन पुत्र रज्जाक निवासी नरेगा तहसील दूदू जयपुर, रज्जाक उर्फ जनरेटर पुत्र छोटू खान निवासी मोजमाबाद तहसील दूदू, अमरचंद उर्फ अंकित पुत्र लक्ष्मण हरिजन निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर तथा चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ीद्दीन मोहम्मद पुत्र इमामुद्दीन गुलाबी नगर जयपुर तथा आरिफ पुत्र कमरुद्दीन निवासी इंद्रगढ़ जिला बूंदी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सैनी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया है कि रेलवे टेलीफोन हट्स तथा मोबाइल टावरों में लगी बैटरियों की चोरी कर जो उनकी अच्छी कीमत देता है उनको बेच देते हैं। आरोपियों की निशानदेही पर फिलहाल 2 बैटरियां कबाड़ियों से बरामद की गई है। शेष बैटरियों की बरामदगी के लिए अन्य कबाड़ियों की धरपकड़ जारी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज है। व्यक्ति द्वारा जो टेलीकॉम हट है उसकी जो जाली बनी हुई है उनको किसी धारदारी या कोई हथियार से उनको खोला गया और खोल के अंदर प्रवेश कर उसमें से 48 नग बैटरी चोर हुई। मामले को चोरी का पाए जाने पर मामले को जांचाधीन रखा। दूसरे दिन 30/11/2022 को पुनः एग्जीक्यूटिव और हमारे मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष द्वारा भी सूचना दिया गई कि टेलीकॉम हट संख्या 54 से भी बैटरी चोरी हो गई है। सूचना पर तुरंत मैं स्टाफ सीआईबी स्टाफ रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुँचे तो जैसे मतलब जो केबिन बनी हुई थी 54 में भी आगे से 4 दीवारी थी उसकी 4 दीवारी ताला तोड़कर उसी प्रकार के वारदात को अंजाम दिया जिस प्रकार पूर्व में 29 तारीख की चोरी को अंजाम दिया था। उसी मतलब जाति को तोड़ करके उसके अंदर प्रवेश करके 48 नग बैटरी चोरी की गई। 48 में चोरी के होने पर मामला हुई चोरी का पाए जाने पर जो संबंधित विभाग है उसने द्वारा हमको चोरी के मेमो जारी किया। 1 तारीख को हमने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया और एक टीम गठित की। सीआईबी में स्टाफ और मेरे स्टाफ को लगातार गठित करके और जो संबंधित है जहां चोरी हुई है वहां से हमने अपने डंप जो डाटा है वो कलेक्ट किया। इससे पूर्व में भी तिलोनिया में 16 या 17 तारीख को नाइट में चोरी हुई थी तो वहाँ की डंप को भी कलेक्ट किया। कलेक्ट करने पर जो कॉमन नंबर आया उससे 2 नंबर सामने आए। उन नंबरों को देखा कि वो तीनों घटनाओं में कॉमन नंबर था। उसी आधार पर हमने उन जो उनके संबंध अज्ञात जो आरोपी थे उनके घर में आसपास दबिश दिया। दबिश करने बाद ये लोग हमें मतलब बगरू के आसपास मतलब पकड़े गए। उनसे कड़ी पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी की अंजाम को मतलब बताया कि हाँ हमने ये चोरी की है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारा मुख्य पेशा होता है चोरी करना होता है, मोबाइल टावरों की हम चोरी करते हैं और जो भी हमको जैसा लगता है जो हमको अच्छा दाम देता है उसको हम जो जितने भी कबाड़ी उनको बेच देते हैं, हम अलग अलग कबाड़ियों को ये बेचते हैं। तो जहाँ जहाँ जब इनका हमने ऑनलाइन डाटा निकाला आईजी से कि ये तो इनके खिलाफ़ कम से कम 150 के मामले आसपास दर्ज हैं। जैसे अपने नसीराबाद हुआ, मांगलेवास है, अजमेर है, दूदू है, बगरू है, बांदर सेंद्री है, मतलब आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं
इनके खिलाफ 150 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं और इनकी निशानदेही पर ही हमने जो कबाड़ी है उनको ही पकड़ा था और उनको अरेस्ट किया था। बाकी आगे की जांच जारी है, इसमें अभी ओनली 2 ही बैटरी बरामद हुई है। बाकी जो इनकी निशानदेही पे जो पकड़े हैं उनके जो थर्ड कबाड़ी है उनको हम अरेस्ट करेंगे, शायद